सो क्रूज क्रूज आउट बेलिंगम इन, क्रूज आउट बेलिंगम इन, एक बहुत तगड़ा कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है। क्या है, बात करते हैं भाई। बहुत एक मैसिव रिपोर्ट निकल के आई है। बात करेंगे भाई इस वीडियो में, बात करेंगे जो प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं रियाल मेड से, जो तगड़े प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं रियाल मेड से, अल्फोंसो डेवीज, ग्वार्डियोल, अम्बापे। अम्बापे से रिलेटेड एक जो कंडीशन सामने निकल के आई है, एक ओनली वन कंडीशन जो रियाल मिड में वो आ सकता है, आने के चांसेस है फॉर अम्बापे। सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक चांस है अम्बापे का। क्या है, बात करते हैं, कवर करते हैं। बट भाई वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जो एक मैसिव रिपोर्ट आई है भाई सामने। क्या रिपोर्ट है, शाम को पहले एक न्यूज आई, एक रिपोर्ट आई। रियाल मिड को अब कहीं ना कहीं वो फील हो रहा है, वो सेंस कर पा रही है रियाल मिड की भाई क्रूज रिटायर होने वाला, आफ्टर दिस सीजन क्रूज ना रिटायर होने वाला है। कनेक्शन है, बहुत तगड़ा कनेक्शन है। इसी के बाद एकदम से रिपोर्ट आती है भाई, ऑपरेशन बेलिंगम हैज एक्सेलरेटेड, हिज फ्यूचर विल बी डिसाइडेड मच सूनर देन व्हाट एवरीवन एक्सपेक्ट्स। और जो टोटल पैकेज जो निकल के आया फॉर जूड बेलिंगम, 130 मिलियन का टोटल पैकेज निकल के आया सामने, सब कुछ मिला मुलू के, एडॉन्स वैडॉन्स मिला के। तो एक जो तगड़ा कनेक्शन मेरे को एज अ रियल मैड्रिड फैन दिख रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से क्रूज बोलता आ रहा है लंबा फुटबॉल मेरे को खेलना ही नहीं है, किसी की ग्रोथ मेरे को रोकनी ही नहीं है, जो भी है अपनी लेगेसी बिगाड़नी ही नहीं है। तो ये चीज मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों क्रूज मस्ट हैव टोल्ड देम भाई, क्लियर कर दिया होगा क्रूज ने अपने इंटेंशन की, भाई मेरा लास्ट सीजन है, मैं इसके बाद रिटायर होने वाला हूं। वो रिपोर्ट, और उसके बाद शाम को भाई सारी चीजें एक्सलरेट कर गई फॉर जूड बेलिंगम। एक और रिपोर्ट जो सामने निकल के आ रही है इसी चीज से, अगर मैं बात करूं रिलेटेड, बात करूं लिवरपूल नाउ भाई, उनका जो फोकस है वो अब एंजो फर्नांडिस पे है। क्यों, क्योंकि भाई जस्ट लाइक चुआमेनी, रिपोर्ट है चुआमेनी की तरह ही जूड बेलिंगम ने भी क्लियर कर दिया। जो आपने कहीं ना कहीं वो रिपोर्ट्स देख रहे होंगे कि भाई लिवरपूल अब रेस से बाहर हो गया, वो इतना अब वो एंजो फर्नांडिस के लिए चले गए, गैकपो उन्होंने साइन कर लिया। रिपोर्ट ये है कि भाई जूड बेलिंगम ने कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया लिवरपूल को, जस्ट लाइक चुआमेनी की, भाई मेरे को जाना है रियल मैड्रिड में, उनके लिए खेलना है, आई वॉन्ट टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन रियल मैड्रिड, जो भी है। तो ये भी एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है भाई। तो ये तो हो गया भाई क्रूज एंड बेलिंगम का किस्सा जो भी है अभी तक दिस मोमेंट। अब बात आती है भाई अल्फोंसो डेवीज, अल्फोंसो डेवीज काफी फैंस बहुत ज्यादा एकदम से एक्साइट हो गया यार, क्योंकि एक जनरेशनल टैलेंट, एक फाड़ अपने पास जो लेफ्ट बैक हो जाएगा वो अल्फोंसो डेवीज हो जाएगा। बट भाई अगर मैं जल्दी से इस चीज को कवर करूं, मेरे को ये चीज में बिल्कुल भी सेंस नहीं दिख रही है भाई। बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब, अगर एक एक अगर कुछ वो अपॉर्चुनिटी है, अगर ये मूव एक ही तरह से होते हुए मेरे को दिख रहा है, अगर वो सारे रिलेशन अपने बिगाड़ ले विद बायर्न म्यूनिख कि भाई अपन को तो जाना है रियल मैड्रिड के लिए खेलना है, तुम जाओ भाड़ में फोर्स आउट करवा ले मूव, सिर्फ ये एक कंडीशन दिख रही है, एक चीज सिर्फ मेरे को ये दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। जनरेशनल टैलेंट है भाई बायर्न म्यूनिख जैसा क्लब, इतना बड़ा क्लब क्यों जाने देगा अल्फोंसो डेवी जैसे प्लेयर को, मेरे को नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा बिल्कुल भी इसमें, मेरे को अभी तक एट दिस मोमेंट कोई सेंस नहीं दिख रही है। और बहुत जल्दी रिपोर्ट आ रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला, मतलब उसके पीछे पड़ गई है, बायर्न म्यूनिख को कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा और वो कर भी लेगा भाई। नेक्स्ट चीज रिलेटेड टू ग्वार्डियोल, अगेन भाई इधर भी मेरे को ये चीज नहीं होते हुए दिख रही है, एट दिस मोमेंट कोई सेंस नहीं दिख रहा। वी आर डन, वी आर सॉर्टेड भाई, जब सेंटर बैक्स की बात आती है वी आर सॉर्टेड, हमें जरूरत ही नहीं। और एक ही विंडो में आप इतने सब पे हाथ नहीं फेर सकते इस समय, तो भाई दुनिया भर जहां के प्लेयर्स हमसे लिंक होने वाले हैं, अभी तो ये विंटर ट्रांसफर विंडो है, सबको पता है कि रियल मैड्रिड कोई नहीं लेने वाली, एक बार वो समर ट्रांसफर विंडो आने दो भाई, हर कोई लिंक होगा, हर कोई तगड़ा प्लेयर रियल मैड्रिड से लिंक होगा। अल्वारेस के भी लिंक आए थे अभी, तो बहुत चीजें होती हुई दिखेंगी। बट मेरे को नहीं लग रहा भाई, रूडीगर है, नाचो है, अलाबा है, मिलिटाओ है, वले हो है, तो हम भी वी आर डन भाई, वी आर सॉर्टेड, हमें कोई जरूरत नहीं है, 90 मिलियन से नीचे बात नहीं होगी फॉर ग्वार्डियोल। तो इतना मुझे नहीं लग रहा एक की विंडो हम इतना ज्यादा स्पेंड कर देंगे, 130 मिलियन तो हमारा जूड बेलिंगम पे जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक मिडफील्डर पे। एक वो अब कंडीशन क्या है वो बताओ भाई, एक कंडीशन क्या निकल के आई है, क्लियर एम्बापे कैसे आएगा रियल मैड्रिड वो बताओ, बाकी तो बात की बात। बात ये है, एक कंडीशन जो निकल के आई है वो ही अल्वारेज वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक कंडीशन जो सामने निकल के आई है 2023 में रियल मैड्रिड फिर भी ले लेगी, अगर तू सारे रिलेशन बिगाड़ के विद पीएसजी फोर्स आउट करवा लेगा, क्योंकि अभी वो कॉन्ट्रैक्ट में है, फोर्स आउट करवा लेगा कि भाई अपन तो जा रहा है, मेरे को नहीं खेलना, जो भी है फोर्स आउट करवा के रियल मैड्रिड में आ जाएगा, सिर्फ यही एक कंडीशन है। क्योंकि भाई मैं पिछले वीडियो में जो रिलेट टू एम्बापे मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई इट्स ओवर फॉर एम्बापे, उसमें मैंने ये चीज बोली थी, जो हर बहुत आग की तरह न्यूज फैल रही है, इट्स ओवर भाई, दरवाजे बंद कर दिए, क्लोज डोर्स फॉर एम्बापे, तो भाई उसमें मैंने बोला था, और ये चीज निकल गई, यही वो कंडीशन निकाली, एक वो डर पैदा किया जा रहा है फॉर एम्बापे। और अब क्लियर हो चुका है उसके एनवायरनमेंट को भी, उसके एंट्राज को भी, और एम्बाप्पे को भी क्लियर हो चुका है, रियल मैड्रिड मेरे बिना ही अब प्लान कर रही है अपना, जो उनका प्रोजेक्ट है, जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है, जो नेक्स्ट
डिकेट लिए जो प्लान करे वो विदाउट मी प्लान कर रहे हैं, और वो प्रिपरेशन करना शुरू कर चुके हैं साइनिंग ऑफ एंड्रिक। तो मेरे हिसाब से तो भाई एक ओनली वन कंडीशन जो रिपोर्ट आई है, फोर्स आउट करवा, आजा खेल ले फॉर रियल मैड्रिड। भाई आप लोग अपने कमेंट से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपको क्या लग रहा है एम्बाप्पे का, जूड बेलिंगम का, स्पेशली क्रूज का, अपना लेजेंड का, भाई क्या लग रहा है, कैसेमिरो चला गया, क्रूज चला गया, केसीएम पूरी तरह भाई टूटते हुए दिख रही है, टूटना है एट द एंड, तो टूटना ही है भाई। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।